हेलो एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। आज हम एक ब्रेकफास्ट लंच में बनने वाली रेसिपी बनाएंगे, जिसे कि हम मुठिया के नाम से जानते हैं। ये एक गुजराती कुजीन का काफी फेमस पॉपुलर स्नैक है। ये काफी हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और ये आपके ब्रंच के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इसे आप बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ हम इसके लिए खट्टा मीठा रायता भी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज ईट यम्मीशियस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मुठिया बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप बेसन, ग्राम फ्लावर, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा स्पाइसी से बना सकते हो। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और ये आप जानते हो कि गुजराती फूड्स में अक्सर शुगर डाली जाती है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून चीनी। आप चाहो तो चीनी डालना अवॉइड भी कर सकते हो। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे सोडा बाई कार्ब, यानी कि बेकिंग सोडा, और खाने वाला सोडा भी इसे कहते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैंने एक हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके उसका पेस्ट बनाया है, जो कि मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसे थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब मैंने यहाँ पर लौकी ली है 1 कप, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और इसका जो बीच वाला सफेद वाला पार्ट होता है वो मैंने हटा दिया है। इसी के साथ 1 नींबू का रस हम इसमें डालेंगे, लेमन जूस। और अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम इसे अपने हाथों से मिक्स करेंगे। तो हमें इसका सॉफ्ट डो जैसा तैयार करना है। तो ऐसे तो लौकी अपना पानी छोड़ती है, बट अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम एक्स्ट्रा पानी की छींटे इसमें डाल सकते हैं और सॉफ्ट डो जैसा हम इसे प्रिपेयर कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा ड्राई है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से सॉफ्ट डो की तरह हम इसे कंबाइन कर लेंगे। ये देखिए, एकदम अच्छे से सॉफ्ट डो की तरह मैंने इसे तैयार कर लिया है, जिसमें मुझे तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। तो अब हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके फिर हम सिलेंडरिकल शेप में बना लेंगे, इसे बेलनाकार शेप दे देंगे इसे। तो 2 लोइयों में हम इसे डिवाइड कर लेंगे और फिर इस तरह से अपने हाथों से हम इसे रोल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, जिस पर कि मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है और थोड़ा सा मैंने उसे तेल से ग्रीस कर लिया है। इस पर हम इसे बना बना कर रखते जाएंगे। और आप यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल की जगह पर बटर पेपर या केले के पत्ते का भी यूज कर सकते हो। तो दूसरा वाला सिलेंडर भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम इन्हें भाप में पकने के लिए रख देंगे। अब मैंने एक पतीले में तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाला है और एक कटोरी को मैंने इस तरह से रख दी है और इसके ऊपर मैं इस तरह से जाली को रख दूंगी। ये हम इसे स्टीम करेंगे, तो अब हम इसे ढक देंगे और पानी में अच्छा सा बॉईल आने देंगे। आप स्टीमर में भी इसे पका सकते हो। ये देखिए, इस तरह से, और अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम से हल्की से ज़्यादा सी आँच पर हम इसे पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे। ये देखिए, इन्हें पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि मुट्ठे काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। तो मैंने इसे पहले भी चेक किया है, एक बार और हम इसे चेक कर लेंगे चाकू इसके अंदर डाल करके। ये देखिए, चाकू काफ़ी हद तक क्लीन निकला है। तो बस अब हम 1 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे और फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इस प्लेट को निकाल लेंगे इसमें से, और पहले हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, अब हमारे जो मुठिया है ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम एक तेज चाकू से इसके पीसेस कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से सभी पीसेस हम कट कर लेंगे इसी तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने सभी पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल लूँगी 1 टीस्पून भर के राई, चुटकी भर डालेंगे इसमें हींग, 3-4 सूखे हुए करी पत्ते, सूखी हुई लाल मिर्च और साथ ही में डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। हल्का सा इसे हम रोस्ट कर लेंगे और इसमें से 1 चम्मच तड़का हम निकाल कर अलग रख लेंगे।
ये थोड़ा सा तड़का हम इसमें से निकाल लेंगे और जो मुट्ठे हमने काट कर तैयार किए हैं वो उसके पीसेस हम इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इन्हें हम हल्का सा शेलो फ्राई कर लेंगे और थोड़ी सा हम इसे अलटते पलटते भी रहेंगे, दूसरी साइड से भी हम इसे थोड़ा सा शेलो फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए टोस्ट कर लिया है और अभी ये अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। अब इसकी रायते वाली डिप के लिए मैंने लिया है 1 कप दही। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 2 पिंच इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल ही अलग इंग्रेडिएंट जो कि है टोमेटो केचप की, ये हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी, इसमें किसी भी तरह की कोई वो दही की मलाई वाली ग्रेन्यूल्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से इसे फेंट लेंगे हम। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब जो तड़का हमने अलग से निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये भी तैयार है, तो अब हम इसे भी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारी मुठिया बनकर एकदम तैयार है, इसी के साथ हमारा एकदम खट्टा मीठा सा रायता भी तैयार है। इसके साथ खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये मुठिया आपके टिफिन बॉक्स के लिए आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच में इसे खा सकते हो, एकदम हेल्दी है, आपने देखा, आसान है इसे बनाना और एकदम मसालेदार है। आप प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, सभी को घर में ये पसंद आएगा। और साथ ही में प्लीज़ ईट यम्मीशियस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के साथ, टिल देन एंजॉय दिस गर्मा गर्म हेल्दी मुठिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशियस।